पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंगल प्रोसेसर का यूज करते हैं तो हर चीज वहां पे सिंगल है, जैसे कि मेन मेमोरी है, कैश मेमोरी है और साथ ही साथ जो मेरा प्रोसेसर है, ठीक है। तो वहां पे फाइनल अगर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट होगा तो जो फाइनल अपडेशन होगा मेन मेमोरी के अंदर उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल कैश है, सिंगल मेन मेमोरी है, तो वहां पे कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे और न ही वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं, P3, P4 अप टू PN, वहां पे कोई और वैल्यूज है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो वो हमें कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो सकता है, या जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं वेरियस मेथड्स टू अवॉइड कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम, तो वो क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में मेरे पास चार मेथड है, वो चार मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। सो फर्स्ट इज राइट अपडेट राइट थ्रू, सेकेंड इज राइट अपडेट राइट बैक, थर्ड इज राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू, एंड फोर्थ इज राइट इनवैलिडेट राइट बैक। तो ये चार मेथड है जिसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं मेथड्स टू अवॉइड कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, जहां पे लिखा है राइट अपडेट राइट थ्रू, तो राइट अपडेट राइट थ्रू का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स है, फर्स्ट अगर मैं इनिशियलाइज कर दूं, यहां पे x की वैल्यू 10 है, मैं x की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो x की वैल्यू जो 10 है मेन मेमोरी से मेरा कनेक्ट है सर्टेन नंबर ऑफ कैशेस, यहां भी x, यहां भी x, x, x अप टू n नंबर ऑफ कैशेस तक वो वैल्यू क्या हो जाएगी x। तो अगर फर्स्ट टाइम यहां पे 10 है और मेरा प्रोसेसर P1 वो क्या काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जॉब यहां पे कर रहा है, तो प्रोसेसर P1 फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब J1 कर रहा है, वो चाहता है कि हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करें, तो x की वैल्यू जो 10 है, 10 यहां पे थी फर्स्ट टाइम, 10 यहां पे आने के बाद जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल 11, ठीक है, वैल्यू हो गई हमारे पास 11। लेकिन जो 11 है अकॉर्डिंग टू राइट अपडेट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 11 है वो सर्कुलेट हो जाएगी थ्रू ऑल द कैशेस, मतलब फर्स्ट टाइम C1 में वैल्यू 11 थी, वही वैल्यू ये जो 11 है वो सर्कुलेट हो जाएगी जितने नंबर ऑफ कैशेस है उसमें, मतलब C2 में भी वैल्यू क्या आ जाएगी 11, C3 में भी क्या आ गई 11, C4 में भी क्या आ जाएगी 11। उस वैल्यू को हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट टाइम जो अपडेट होगी उस अपडेट होने के बाद उसी वैल्यू को मुझे सर्कुलेट करना है जितने नंबर ऑफ कैशेस है उसमें वो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे 11 थी, जितने नंबर ऑफ कैशेस है वहां पे वैल्यू 11 आ गई, ठीक है, ये होता है मेरा राइट अपडेट का मतलब, ठीक। अब अगर मैं बात करूं राइट थ्रू, राइट थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, राइट थ्रू का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम जब उसी कैश के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे 11 अपडेट हो रही है, सेम उसी टाइम पे हमें यहाँ पे तो अपडेट हम कर रहे हैं 11 और यहाँ पे तो वो कर दिए, वो तो अपडेट की बात है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो वैल्यू यहाँ पे 11 थी उसी टाइम पे मुझे साइमल्टेनियसली उस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करने के साथ साथ वो वैल्यू मुझे यहाँ भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी जो वैल्यू है राइट थ्रू का मतलब क्या होता है, जो मेरी वैल्यू 11 आई थी उसी टाइम पे मुझे उसी वैल्यू को यहाँ भी अपडेट करना है, मतलब जो 10 था 10 से ये हो गया 11, ये होता है राइट थ्रू का मतलब, ठीक। अब मैं बात करूं यहां पे राइट अपडेट हो गया, यहां पे है राइट बैक, राइट बैक का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे जो वैल्यू 11 है, ठीक है, वो कहां से आई, कुछ ना कुछ ये प्रोसेसर कोई जॉब प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जॉब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे इस वैल्यू को चलाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट हो गया 11 हुआ, फिर क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट 12, उसके बाद आ गया 13, उसके बाद आ गया ये 14, उसके बाद आ गया 15, और लेट अस सपोज 15 पे आने के बाद ये जॉब कंप्लीट हो गया, ठीक है,
15 पे आने के बाद जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 को मुझे जो वैल्यू 15 की है वो मुझे अपडेट करना पड़ेगा इस मेन मेमोरी के अंदर। ये होता है राइट बैक का मतलब। मतलब जो मेरी वैल्यू 10 थी या फिर जो वैल्यू यहाँ पे 11 थी, फाइनल राइट बैक के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ये होता है राइट बैक का मतलब। थर्ड पॉइंट है राइट इनवैलिडेट। अब अगर मैं राइट इनवैलिडेट की बात करूं तो राइट इनवैलिडेट यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इनवैलिडेट मतलब इनवैलिड। इनवैलिड मीन्स अगर यहाँ पे जो कैश की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कैश की वैल्यू मेरे पास 11 है फॉर एग्जाम्पल, अब 11 में मुझे कुछ इंक्रीमेंट करना है इस जॉब के अकॉर्डिंग। जॉब क्या कह रहा है इंक्रीमेंट करने के लिए, तो जैसे ही वो वैल्यू 11 से 12 हुई फर्स्ट टाइम, ठीक, जैसे ही वैल्यू 11 से 12 हुई तो वो क्या काम करेगा, कैश जितने नंबर ऑफ कैशेस यहाँ पे हैं उसको एक मैसेज भेजेगा कि डू नॉट यूज दिस वैल्यू। मतलब ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड है, ये वैल्यू इनवैलिडेट है, इस वैल्यू को हमें किसी भी कैश के अंदर यूज नहीं करना है, ना इसके अंदर यूज करना है कैश C2, ना कैश C3, ना कैश C4, अप टू n नंबर ऑफ कैशेस जितने हैं मुझे इस वैल्यू को 12 ऐड नहीं करना है। मीन्स ये वैल्यू जो है ये इनवैलिड है, ये वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, फर्स्ट टाइम जब वो इंक्रीमेंट हुई उसी टाइम पे अगर इनवैलिडेट के अकॉर्डिंग में बात करूं तो वो क्या काम करेगा, एक मैसेज सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट ऑल द कैशेस कि डू नॉट यूज दिस वैल्यू इज इनवैलिड। ये मतलब हुआ मेरा राइट इनवैलिडेशन का। ठीक, अब राइट थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई, जब वो बाकी कैश यूज नहीं करेगा तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली मुझे उस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ मेरे पास यहाँ पे थी फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है 11 15 जो भी है, तो फाइनल अपडेट के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आई 12 वो यहाँ पे आ जाएगी 12 अकॉर्डिंग टू राइट थ्रू। ठीक, लास्ट इज राइट इनवैलिडेट की हम बात कर चुके, मेरे पास क्या बचा, राइट बैक। राइट बैक का क्या मतलब है, सेम वही चीज, जब तक ये जॉब कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम उसको चलाते रहेंगे और फाइनल जो मेरे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मुझे साइमल्टेनियसली यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। जो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं यहाँ पे बताया था आपको राइट बैक का मतलब, वही राइट बैक का मतलब यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जब तक की ये वैल्यू चलती जाएगी, जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे उस जॉब को चलाना है, और जब वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी से जो दूसरी डेटा एलिमेंट आएगी उसको हम ले लेंगे, लेकिन जो दूसरी डेटा एलिमेंट है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात इसकी कर रहे हैं कि कब तक हम उस जॉब को कंप्लीट कर लें और कंप्लीट होने के बाद फाइनल वो वैल्यू मेरा मेन मेमोरी के अंदर अपडेट हो जाए। ये होता है मतलब राइट बैक का। ठीक, अब जो चारों हैं, चारों मेथड, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, राइट अपडेट मीन्स, राइट अपडेट का मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू यहाँ पे मेन मेमोरी से यहाँ पे असाइन हो रही है उसको अगर हम इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें तो जो वैल्यू फर्स्ट टाइम इस कैश के अंदर आएगी उसी वैल्यू को मुझे सर्कुलेट करना पड़ेगा थ्रू ऑल द कैशेस कि उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल अगर 11 आ रही है या 9 आ रही है तो उसी वैल्यू को मुझे सर्कुलेट करना पड़ेगा थ्रू आउट ऑल द कैशेस, और जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे C2 के अंदर आ जाएगी, C3 के अंदर आ जाएगी, C4 के अंदर आ जाएगी। ठीक, राइट थ्रू मीन्स साइमल्टेनियसली जो चेंजेस यहाँ पे होंगे, अगर 11 आ रही है तो उसी वैल्यू को मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा 11, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट थ्रू। सेकंड इज राइट अपडेट। राइट अपडेट मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है थ्रू आउट ऑल द कैशेस उसी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, और राइट बैक का ये मतलब हुआ कि जब तक P1 P2 P3 P4 जितने नंबर ऑफ हर प्रोसेसर के अंदर जो जॉब है, जब तक कि वो जॉब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उस जॉब को चलाएंगे, और जॉब को कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आएगी उस फाइनल वैल्यू को मुझे मेन मेमोरी के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनल वैल्यू मैंने फॉर एग्जाम्पल 15 लिया था तो 15 को मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट बैक। राइट इनवैलिडेट का मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11 लिया था, अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे इस जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 12 आने के बाद मुझे हर एक कैश को एक मैसेज भेजना होगा कि डू नॉट यूज दिस वैल्यू इज इनवैलिड। ठीक है, तो मतलब ये जो 12 है ना ये यूज करेगा, ना ये यूज करेगा, ना ये यूज करेगा। ठीक, ये हो गया राइट इनवैलिडेट। राइट थ्रू का मतलब ये हो जाएगा कि जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं उसी टाइम पे मुझे साइमल्टेनियसली चेंजेस मेन मेमोरी के अंदर करना पड़ेगा जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक, तो ये हो गया राइट इनवैलिडेट, राइट थ्रू। अब राइट इनवैलिडेट राइट बैक की अगर मैं बात करूं तो राइट इनवैलिडेट क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आ रही है वो हम थ्रू आउट ऑल द कैशेस मैसेज भेजेंगे डू नॉट यूज दिस वैल्यू, और राइट बैक का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब तक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें उसको चलाना पड़ेगा, और फाइनल जो जॉब कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मुझे मेन मेमोरी के अंदर अपडेट करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास चार मेथड है जिसका हम यूज कैश कोरेंस प्रॉब्लम के अंदर करते हैं। ठीक है,
कि अगर कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम के अंदर जो समस्याएं देखने को मिलती है, नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर के बाद जो इनकंसिस्टेंसी आती है, एक में वैल्यू कम है एक में ज्यादा है, तो मेन मेमोरी में चेंजेस क्या होंगे, क्या देखने को मिलेंगे, क्या उससे प्रॉब्लम और समस्या खड़ी हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को हम बस इन्हीं चार सॉल्यूशन से दूर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, या जिसको आप बोलते हो वेरियस मेथड्स टू अवॉइड कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम्स।